पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट प्रयागराज से बड़ी राहत मिली। दरअसल अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर पर बुधवार को ईडी की टीम ने छापेमारी की। मेन गेट नहीं खुलने पर ईडी की टीम बैठक का दरवाजा तोड़ अंदर घुस गई। घर के अंदर कई घंटे तक ईडी ने जांच पड़ताल की। वहीं आज ईडी को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम को तलब करने का आदेश दिया गया। वहीं पूरे मामले पर कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें 15 अक्टूबर को बिना सूचना के स्टे के बावजूद छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची थी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।